नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। इस वक्त हम रामलीला मैदान में हैं। हालांकि इस मैदान में हमें वो आर्मी जवान मिले जिन्होंने इस देश के लिए काफ़ी लंबे समय तक काम किया। हम जब अपने घर में आराम से सो रहे थे तो यही वो लोग थे जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार ने जो धारा 370 और 35 ए को हटाया उसे लेकर ये क्या सोचते हैं। मैं जनरल अहलावत हूँ, दिल्ली कैंट में रहता हूँ और J&K में 4 दफ़ा सर्विस कर चुका हूँ। अनंतनाग में रहा हूँ, उड़ी में रहा हूँ, कारगिल में रहा हूँ और 370 और 35 जिस दिन हटा था उस दिन आधी आतंकवाद ख़त्म हो गया था और जिस दिन हमारे पंडित भाई वापस चले जाएंगे उस दिन आतंकवाद पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो शायद मोदी अमित शाह जी के अलावा और कोई नहीं ले सकता था। क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस तरीके से काम कर रही है वो बिल्कुल सही दिशा में देश को ले जा रही है? ये जो जोड़ी काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और देश को सही दिशा में ले जा रही है। हमारे देश का पूरे संसार में सम्मान बहुत बड़ा है जो पहले नहीं था। मैं J&K का लाइन ऑफ कंट्रोल का बताता हूँ, मैंने वहाँ नौकरी की है। आमने सामने हम और पाकिस्तानी होते थे, वो हमें कहा करते थे हमारा हुक्म हमारी जेब में है, तुम्हारा दिल्ली से आएगा। आज हमारी जेब में भी हमारा हुक्म है। चलिए, दूसरी अभी सबसे ज़्यादा विवाद जो है वो CAA को लेकर हो रहा है देश के अंदर। आप लोग सरहद पे रहे, आपने देश की तमाम परिस्थितियाँ देखी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है क्या ये किसी खास तबके को जो कहा जा रहा है कि उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल गलत है। मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे भी रहा हूँ, मैंने देखा है जो हमारे हिंदू चकमा भाई हैं उनको BDR ने सता के महिलाओं की रेप की, गोली मारी और उनको भाग के कहीं आना पड़ा। इस तरह के लोग अगर उनको हम शरण नहीं देंगे हिंदुस्तान में तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये कदम बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आप लोगों को मोदी और अमित शाह की सरकार में सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? हमें पूरी BJP सरकार अच्छा काम कर रही है, हम लोगों के प्रति, सेना के प्रति, यहाँ की नागरिक के प्रति जो भी कदम उठा रही है बहुत अच्छा कदम उठा रही है, ये एक सराहनीय काम है। कौन सा कानून ऐसा लगा जो मोदी और अमित शाह की सरकार लेकर आई तो आप लोगों को लगा कि ये देश हित में था, बहुत दिनों से अटका हुआ था, अब इसका जो भी इन्होंने कार्रवाई की इस पर बहुत अच्छे तरीके से कहा? मोदी सरकार की सबसे 370A 35 ये धाराएं जो जेएनडी से खत्म की गई वो हमारे सेना के लिए बहुत ही अच्छा किया गया है और पूरे देश उनके गुणगान कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो CAA कानून आया है क्या यह देश हित में? बिल्कुल, ये जो कानून आया है ये देश हित में है और सबसे बड़ी बात है कि जो देश विरोधी गतिविधि में जो लोग शामिल हैं उनको भी कुछ ना कुछ इसमें जो है रोकने में ये कानून मददगार होगा। जिस तरह से लोग जो है भारत की सीमा खुली पड़ी है और जो जिसका मर्जी है वही देश में आके अपना जो है आधार और निर्वाचन बना के और जैसे तैसे करके यहाँ पे जो है हमारे संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है और निसंकोच रूप से जो है ना इससे देश के ऊपर फर्क पड़ेगा और देश के विकास में ये सहायक होगा। आपको क्या लगता है कि जो यह कानून लेकर सरकार आई है क्या यह देश हित में? बहुत ही देश हित में है और हमारे लिए फौजी के लिए जो OROP लगाया, चाहे 370 का ये किया, चाहे आज भी जो शरणार्थियों के लिए कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है मोदी सरकार, इसमें कोई शक नहीं है और किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है। ये उन सैनिकों की राय थी जो हमने आप तक पहुंचाई, जो इस देश के लिए बॉर्डर पर जिन्होंने हमारी रक्षा की है। आगे भी देश के बुनियादी लोगों को, देश की आम जनता की राय को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद। साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं,
उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया, इसी सत्र में आप लोगों को जमीन और घर का अधिकार दे रहे हैं, न कोई धर्म जाति पूछते हैं, तो क्या दूसरा कानून आपका निकाल देने के लिए करेंगे क्या? बच्चे जैसी बातें करते हो। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने चिल्ला दिया कि वो देखो क्या चल रहा है। मैं बताता हूं, ये कांग्रेस वालों ने और उसके साथियों ने चिक चिक करके बोला, वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया। और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई, पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं काट गया। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं सर 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो, सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा। कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिख भी ये भी पूछ रहे हैं, ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है? कैसा झूठ, कैसा! और एक तरफी मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मीडिया के लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई, डिटेंशन सेंटर कहां बना है, आपको पता है क्या? तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे, हमने तो सुना है इसलिए कह रहे हैं, सुना है तो किस लिए है? कोई जवाब नहीं, झूठ चलाया जा रहा है। अरे भाई, कुछ तो अपनी शिक्षा की कदर करिए, एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं, जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों,
उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है।